द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए है, जो बच्चे यूपी टेट के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक ना भैया, ये सब उन्हीं के लिए इन्फॉर्मेशन है। अब आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, कब तक आपकी ये रिज़ल्ट यूपी टेट का देखने को मिल सकता है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे देखिएगा, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ये घोषणा किया है कि 10,000 वैकेंसियों को, ठीक ना, 100 दिन के भीतर में सरकारी नौकरी देने का जो बेरोजगार युवाओं का लक्ष्य है, ठीक ना, तो उसी के तहत यूपी टेट वाले बच्चे अपना मुहिम क्या कर दिए हैं, तेज कर दिए हैं। अब आइए कुछ इस पर और इन्फॉर्मेशन है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से देखिएगा, यूपी टेट रिजल्ट 2022 कब आएगा। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए 21 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने, ठीक ना, अभी तक अपना फाइनल आंसर, मतलब कह सकते हैं कि यूपी टेट का रिजल्ट अभी तक नहीं हुआ। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से देखिएगा, पहले पेपर लीक होने के मामले के उपरांत, ठीक ना, ये सारी चीज़ें, फिर दोबारा से यूपी टेट का पेपर हुआ था। वो कब हुआ था भैया? 23 जनवरी 2022 को पेपर आयोजित करवाया गया था, जिसका आंसर कि आप जानते हैं कि 27 जनवरी को क्या कर दिया गया था भैया? आउट कर दिया था। और फिर इस पर क्वेश्चन पर आपत्ति लगाने के लिए 1 फरवरी तक क्या दिया गया था? सभी उम्मीदवारों को, ठीक ना, टाइम दिया गया था कि 1 फरवरी तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, जिस क्वेश्चंस पे आपको डाउट लग रहा है कि आयोग का, ठीक ना, आंसर और आपके आंसर से डिसमैच कर रहा है, मतलब कि आप का मतलब आयोग का जो आंसर है वो गलत है, तो उसके लिए इन्होंने आपत्ति का भी टाइम दिया था 1 फरवरी तक। तो अब यहाँ से देखिएगा, और ये सारी न्यूज़ वहीं से निकल के, मतलब ये आप कह सकते हैं 1 फरवरी तक बच्चों ने क्या कर दिया था भैया? सबमिट कर दिया था, जो आपत्तियां थी वो दर्ज कर दिए थे। फिर उसके बाद में यूपी टेट रिजल्ट 2022 की अभी तक आप कह सकते हैं कि घोषणा नहीं की गई है। उसी दौरान, ठीक ना, परीक्षा नियामक प्राधिकारिक प्रयागराज के उत्तर प्रदेश ने, उन्होंने बताया था कि ये आपका 25 फरवरी तक उम्मीद है कि ये रिज़ल्ट आ जाएगी, लेकिन अभी तक, ठीक ना, जैसा कि आपको पता है कि बीच में विधानसभा का चुनाव होने हो रहा था, तो उसके दौरान ये रिज़ल्ट क्या हो गया, डिले हो गया, और अभी तक भैया ये रिज़ल्ट आउट नहीं हुआ है। और ये टीटी देखिएगा, 2021 में आपको आप लोगों ने पेपर दिया था, ठीक ना भैया, तो ये सारी बातें आपकी हैं। और यहाँ पे देखिएगा, खूब अब बच्चे भी एक्टिव हो गए हैं, और ये सोशल मीडिया पे, जितना भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे ये एक्टिव हो के, ठीक ना, ट्वीट पे ट्वीट, ये सारी चीज़ें अभियान चला रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा गूगल पे क्या कर रहे हैं, यूपी टेट रिज़ल्ट को लेके, ठीक ना भैया, सर्च किया जा रहा है कि कब तक ये मतलब टेट का जो रिज़ल्ट है वो कब तक आउट होगा। अभी तक कुछ डेट सुनिश्चित नहीं किया गया है। तो यहाँ से देखिएगा, आप सब बच्चे एक्टिव हो गए हैं, और जितना भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, उस पर ये सारी चीज़ें चर्चाएँ चल रही हैं। उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा परिणाम के लिए कोई भी अपडेट जारी नहीं होने से, ठीक ना, उम्मीदवार गूगल आदि पर क्या कर रहे हैं भैया, यूपी टेट रिज़ल्ट सर्च कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मात्रा में सर्च किया जा रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि बस कुछ ही दिनों में ये रिज़ल्ट भी आपका आउट हो जाएगा, जिस तरीके से एक्टिविटी के साथ सब लोग जुड़े हैं। जैसा ही आपका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद में आपको प्राइमरी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जो लगभग 50,000 से अधिक उम्मीद है आने की। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जरूर जुड़िए। हम लोग यहाँ पे डेली आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक ना भैया। और इसके पहले अगर आप चले जाएं तो मैथ का भी सीक्वेंस में सारी चीज़ें चल रही हैं, और रीजनिंग भी, जीके जीएस भी, ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जरूर जुड़िए, ठीक ना, और कुछ ही टाइम में ये आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेशन, जैसा हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी अपडेट रहिए आप लोग भी, ठीक ना, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। चलिए, वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।